टीम इंडिया जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर 27 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है, वहीं विराट सेना के साथ रोहित शर्मा नहीं गए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा दूसरी ओर टेस्ट सीरीज से पहले अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए बेंगलुरु के NCA में पहुंच गए हैं। रोहित ने यहां पहुंचते ही पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है। NCA में रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ की देखरेख में ट्रेनिंग कर रहे हैं। साफ है, ऑस्ट्रेलिया दौरे की टेस्ट टीम में शामिल होने के लिए रोहित शर्मा ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आपको ये भी बता देते हैं कि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और T20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम में जगह मिली है, जिसके लिए उन्हें पूरी तरह से फिट होना है। रोहित को IPL के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो फिट होकर IPL में बाकी के मैच जरूर खेले थे, लेकिन BCCI को लगा कि रोहित पूरी तरह से फिट नहीं है, जिसके बाद रोहित शर्मा ने BCCI की दलील से अलग बात कही थी। रोहित को लगा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन BCCI को लगा कि उन्हें IPL के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरने के लिए अभी और समय लगेगा। साफ है, रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट दौरा काफी अहम रहने वाला है। रोहित ने वनडे और T20 में अपना जलवा पूरी दुनिया के सामने बिखेरा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो अभी तक वो नाम नहीं कमा पाए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा चाहेंगे कि अब सफेद जर्सी में भी वो पूरी तरह से अपने पैर जमा लें और टीम इंडिया के लिए लगातार खेलते रहें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में इस बार टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिलेगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।